ये यहाँ पे सबवे जो है उसमें चढ़ रहे हैं अभी हम, या फिर जो लोकल मेट्रो है बीच में ही ऐसे आप क्रॉस कर सकते हो, यहाँ पे सड़क के बीच में ही है। और ये इसका एंट्री गेट है, व्हाट्स रॉन्ग शुड आई ट्राई इन दिस वन, स्टिल द सेम प्रॉब्लम, आई थिंक यू हैव टू मेक इट विद द हैस्कॉट, डिड यू मेक इट विद द हैस्कॉट, हैस्कॉट फिर एक पर्सनल आपको बार कोड मिलता है जो कि आपका रजिस्टर्ड होना चाहिए आपके कार्ड के साथ, इसलिए आपको इस ऐप पे अपनी डिटेल डालनी पड़ेगी वो बार कोड लेने के लिए कि भी आप कोविड से सेफ हो, फिर ही आपका कार्ड काम करेगा। अभी हमने वो मेरा हेल्थ कोड जो होता है वो रजिस्टर करा इस कार्ड के साथ, अब देखते हैं लग गया लग गया। चलो बट मे बी फॉर डोमेस्टिक फ्लाइट्स आई माइट बी लेट, तो वो कोड मैंने ऑनलाइन ले लिया था, 2 मिनट का काम था और कोड लेके वो कार्ड मेरा लग गया। ये देख सकते हो आप एक लोकल सबवे का स्टेशन है इस्तानबुल का, सिटी सेंटर के बिल्कुल पास में, कोई भीड़ नहीं है, ये अच्छी बात मुझे लगी। इधर अपने इंडिया में काफी भीड़ होती है, आप राजीव चौक पे मेट्रो लोगे या फिर किसी भी मेट्रो स्टेशन या फिर ट्रेन स्टेशन में जाओगे बहुत भीड़ होती है, इधर एक खाली सा पड़ा है जो कि काफी अच्छी बात है। अभी वेट कर रहे हैं हम मेट्रो की और देखते हैं कितनी देर में आएगी। कैट्स आर वेरी फ्रेंडली इन टर्की, हियर दे आर लाइक नाइस एवरीवन। सबवे में, मेट्रो में, हर जगह आप इसे यूज़ कर सकते हो। इस्तानबुल में आप मेट्रो में हो चाहे बस में सबवे में जिसमें भी बैठो आप यही कार्ड यूज़ कर सकते हो। लगभग 4 टर्किश लीरा इसकी कीमत है अभी जो आपकी एक जर्नी पे लगती है, और इंडिया की तरह दोनों तरफ आपको ये नहीं लगाना होता, बस एक साइड लगाओ, उतरो आप चाहे कितने ही दूर आपके 4 टर्किश लीरा ही कटेंगे, यानी कि इंडिया के 32 रुपये के करीब, तो उस हिसाब से काफ़ी सस्ता है अगर आपको दूर जाना हो तो। और एक सिंगल कार्ड है हर चीज़ के लिए, तो वो काफ़ी अच्छी चीज़ है। In India, if you don't want to live a very luxurious life, then it's pretty easy. कुछ 15-20 मिनट की हाइक थी, हम ऊपर चढ़ रहे थे और यहाँ से काफी सुंदर नजारा मैं आपको दिखाता हूँ। ये गलाटा टावर है, ये इस्तानबुल की यूरोपियन साइड आपको दिख रही है पीछे जो दिख रही है। काफी लोग आए ऊपर चढ़ के, कुछ हाइक करके आए, कुछ इनकी ट्रेन से आती है उसमें बैठ के आए। इधर कुछ ही कैफेज है जिधर आप बैठ सकते हो और यहाँ से इस्तानबुल के नज़ारे का लुफ्त उठा सकते हो। ये जो कबर वगैरह इधर आप देख पा रहे होगे, इस पे आपको अरेबिक लिखी दिख रही होगी, हालांकि टर्किश जो स्क्रिप्ट है वो लैटिन स्क्रिप्ट यूज करते हैं, पर ओटोमन के टाइम में टर्किश में काफी फारसी और अरबी के वर्ड्स थे जो कि बाद में अतातुर्क ने आने के बाद जो मॉडर्न टर्किश है उसको रिप्लेस कर दिया था लैटिन स्क्रिप्ट से और वर्ड्स भी थोड़े मॉडर्न कर दिए थे।
बात लगी मेरे को इनकी, इन्होंने देखो खूब सारे बैग्स में जो पत्ते जो झड़ते हैं ये इकट्ठे करके इधर रख दिए म्यूनिसिपैलिटी ने, और थोड़ी टाइम में इसे कचरे वाले उठा के ले जाएंगे। तो साफ सफाई का यहाँ पे बहुत ध्यान रखते हैं। एक और चीज, ऐसे अपने दिल्ली में भी लोग पार्किंग नहीं मिलती तो फुटपाथ पे गाड़ी खड़ी कर देते हैं, उस चीज से बचने के लिए इधर इन्होंने क्या कर रखा है देखो मैं दिखाता हूँ आपको। ये देखो ये ऐसे ब्लेड से निकाल रखे है, जैसे ही आप गाड़ी इस पे चढ़ाओगे आपका टायर पंचर हो जाएगा, मतलब टायर ही फट जाएगा पूरा एक तरह से, देखो अपोजिट डायरेक्शन में। और ताकि लोग रॉन्ग साइड गाड़ी ना चलाए तो ये ऐसे भी लगा देते हैं कई बार कि गाड़ी इधर से जाएगी तो इसे अभी कुछ नहीं होगा, उधर से आएगी तो टायर इसका कट जाएगा। तो ये बढ़िया टेक्निक है जो अपने इंडिया में भी यूज हो सकती है। समुद्र के किनारे बिल्कुल पास में शांति में इस जगह पे बैठा हूँ। यहाँ से मैं और फरात जो कि मेरा दोस्त है टर्की से ही है, अभी काउच सर्फिंग से आज हम मिले थे, काफ़ी बढ़िया लड़के, इसने मुझे काफ़ी घुमाया। तो मैं और ये अब जाने वाले हैं ताक्सिम स्क्वायर की तरफ, ताक्सिम स्क्वायर जिसकी वो पॉपुलर जगह है इस्तिक्लाल स्ट्रीट, उस स्ट्रीट पर हम जाने वाले हैं। तरीके तो काफ़ी है यहाँ से जाने के, बस भी ले सकते हैं, सबवे भी ले सकते हैं जो कि नई बनी है, पर नई सबवे मैं आपको दिखा चुका, तो हमने सोचा क्यों ना इनकी जो पुरानी जो ट्रैम है उसके थ्रू जाए। तो अभी देखते हैं, यहाँ से एक स्टेशन दूर है काराकोय, उधर से हम लेंगे ताक्सिम की ट्रेन। रैंडम लोग आपको यहाँ पे अप्रोच करेंगे, बोलेंगे कि टूर लो हमारे साथ, हमारे साथ बोट राइड लो या कुछ भी। ताक्सिम में खासकर बहुत डेंजरस एरिया माना जाता है ताक्सिम, अगर आप एक अच्छे ट्रैवलर नहीं है तो आपको नहीं पता कि भी कैसे स्ट्रेंजर से बचना है, या फिर बस आप उनको मना करने के लिए या तो नो बोल दो या फिर योक बोल दो जिसका मतलब टर्किश में होता है नहीं, या फिर ना मना करने का एक तरह से, काफ़ी जगह पर योक आप यूज़ कर सकते हो। अगले स्टेशन से हमें चेंज करनी है, सिर्फ एक स्टेशन ही है अभी। तो बस और मेट्रो ट्रैम सबवे हर जगह पे एक ही सिंगल कार्ड है, इस्तांबुल कार्ड के नाम से। सुंदर तो है ही है इनका स्टेशन, मेन बात क्या है कि भीड़ नहीं है, इसलिए ज्यादा बढ़िया है। साफ सफाई और भीड़ नहीं है, मतलब ऐसे नज़ारे पीछे देखने को मिले तो सफर और आसान हो जाता है, पता नहीं चलता। When did you finish it? I finished in 2018. 18. Yeah. ये इनकी सबवेज है अंदर से, ये नई बनी है, अभी जनवरी में स्टार्ट हुई है इसी साल, तो आप देख सकते हो कितनी बढ़िया है। वो गलाटा टावर है। अभी पानी के ऊपर इस ब्रिज पे हम चढ़ रहे हैं, लेफ्ट साइड में मेरे मेट्रो है ऊपर उधर, इन्होंने इस ब्रिज पे भी लाइट लगा रखी है पैदल चलते हुए ताकि आप देख सको एक दूसरे को, दिक्कत ना हो। नीचे पानी है, पीछे वो जो आप देख पा रहे हो सुलेमानी मॉस्क है, और उस तरफ पीछे छुप गया गलाटा टावर इसके पीछे है। ये समुद्र किनारे कुछ लोग बैठे हैं, ये ट्रैक बना रखे हैं पैदल चलने के लिए, साथ वाला साइकिल के लिए, लोग यहाँ पे रनिंग कर रहे हैं, जॉगिंग कर रहे हैं। मैनी पीपल कम हियर। अभी काराकोय में सैर कर रहे हैं हम, इधर खूब सारे फिश की दुकानें हैं, एक्चुअली मछली दे रहे हैं और मछली का रैप सा बना के दे रहे हैं, इधर बैठने की जगह खूब सारी, उस समुद्र के बिल्कुल पैरेलल ही है। ताक्सिम टनल की इनोग्रेशन 1875 में हुई थी और ये लंदन अंडरग्राउंड के बाद दुनिया की सबसे पुरानी अंडरग्राउंड ट्रैम है जो अभी भी फंक्शनल है। 1956 तक इस्तांबुल में इसके 10 करोड़ पैसेंजर्स, 56 लाइंस और 270 ट्रैम्स हो चुकी थी। अनफॉर्चुनेटली धीरे धीरे बाकी मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट आने की वजह से ट्रैम्स कम होती गई और 1966 तक इस्तांबुल का ट्रैम नेटवर्क कम्प्लीटली बंद कर दिया गया। लोगों और गवर्नमेंट ने सोचा कि ये ओल्ड फैशन ट्रैम्स बंद करके मॉडर्न व्हीकल्स के यूज से चीजें काफी आसान हो जाएगी, पर वो गलत थे। द अनकंट्रोल्ड इंक्रीज ऑफ पेट्रोल व्हीकल्स सच एज बसेस, टैक्सीज एंड प्राइवेट कार्स स्टार्टेड चोकिंग द स्ट्रीट्स ऑफ इस्तांबुल। इस्तांबुल में काफी
प्रॉब्लम्स आ गई, जैसे कि हद से ज्यादा एयर पोल्यूशन, नॉइस पोल्यूशन, ट्रैफिक जैम्स, बाहर की कंट्रीज के लोगों का इलीगल इमिग्रेशन और पॉपुलेशन इंक्रीज। मिड 1980s तक इस्तांबुल यूरेशिया रीजन की वन ऑफ द मोस्ट पॉल्यूटेड सिटीज बन चुकी थी और लोगों ने रियलाइज कर लिया था कि ट्रैम्स को बंद करना कितनी बड़ी गलती थी। वो द टाइम लिखा होता है कितनी देर में चलेगी, अभी इसके अंदर घुस रहे हैं। एकदम टिपिकल टर्किश टनल में पॉल्यूशन कम करने के लिए और इस्तांबुल की इमेज टूरिस्ट के लिए वापस सुधारने के लिए गवर्नमेंट ने डिसाइड करा कि ट्रैम्स को वापस लाया जाए। ये टूरिस्ट अट्रैक्शन का भी काम करेगी और ट्रैवल करने का भी। पर प्रॉब्लम ये थी कि पुरानी सारी ट्रैम्स अब तक डिस्ट्रॉय हो चुकी थी। ट्रांसपोर्ट म्यूजियम में बची एक ट्रैम, लोगों की याददाश्त और पुरानी फोटोज की मदद से दोबारा से ट्रैम्स को बनाया गया। बंद होने के 24 साल बाद 1990 में टाक्सिम टनल नॉस्टैल्जिया ट्रामवे के नाम से इस ट्रैम को दोबारा से चलाया गया और फिर 2003 में इस्तांबुल की एशियन साइड में भी कोई मोडा नॉस्टैल्जिया ट्रामवे को शुरू किया गया। फिलहाल ये दोनों ट्रामवे फंक्शनल है एंड आई वुड हाईली रिकमेंड कि आप कभी अगर इस्तांबुल घूमने जाते हो तो इनमें जरूर सफर करें। ये एक स्लोप्स है जिधर ये रुकती है, तो थोड़ी सी चढ़ाई करनी पड़ती है रुके बाद। अभी यहाँ पे आने का फायदा शाम को ही है, इसलिए मैं अभी आया हूँ। लगभग 7-8 बज चुके हैं अभी। टनल के स्टेशन से निकलती हम राइट हो गए तो सामने रास्ता जाता है गलाटा टावर की तरफ और पीछे है वो इश्क़तलाल स्ट्रीट। पहले हम गलाटा टावर चलते हैं। ये गलाटा टावर जो था इसको पहले यूज किया जाता था एज एन ऑब्जर्वेशन टावर, क्योंकि ये काफी ऊंचा है और इधर से समुद्र का सारा दिखता है। एशियन साइड भी दिखती है इस्तांबुल की, यूरोपियन साइड भी दिखती है। तो पहले आप इसको एक तरह से लाइट हाउस कह सकते हो या फिर ये कि ऑब्जर्वेशन टावर था। अब ये काफी फेमस टूरिस्ट अट्रैक्शन बन चुका है, काफी सुंदर नजारा इधर ऊपर से दिखता है पूरे इस्तांबुल।